शिवम, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस समय पूरे देश में जो राजनीति का स्तर है, जो राजनीति करने की पूरी परिस्थितियां हैं, उसमें अक्सर ये लगता है दूर से देखने पर कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो एक पिच तैयार करती है, बाकी लोग उस पर खेलते हैं, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो। एक तो बहुत बड़ी विडंबना इस बात की हो गई है, जैसे कोई भी मुद्दा वो ले आ रहे हैं वो इतनी ताकत में है, प्रोपोगंडा के लिहाज से मजबूत है, उनके पास मीडिया है, उनके पास, अमित शाह ने बोला कि 6-7 लाख से ज्यादा तो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, यानी एक क्लिक पर एक मैसेज करोड़ों लोगों तक पहुंच भी रहा है, उनके पास पैसा भी है, बहुत संसाधन भी है, लोग भी हैं, इसलिए वो सफल भी हो जाते हैं। सत्ता में है, इसका फायदा ये मिलता है कि सत्ता संरक्षित या सत्ता प्रायोजित जो मिशनरियां हैं उनका भी इस्तेमाल करने का उनके पास मौका है, इसलिए भी ये हावी दिखते हैं, फिलहाल वो हावी हैं भी। ये एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू भारतीय जनता पार्टी का यह भी है कि वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो लोग लगातार चुनाव के मूड में रहते हैं, वो एक चुनाव जीतते हैं दूसरे चुनाव की तैयारी कर रहे होते हैं, या एक साथ कई चुनाव लड़ रहे होते हैं, कई किस्म के लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं। इसका परिणाम उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है, अभी विपक्षी दलों को शायद हमने उस तरह से नहीं देखा, बसपा ने एक समीक्षा बैठक की जिसमें अपनी कमियों पर कम बात हुई, दूसरों के ऊपर ज्यादा बात हुई कि उन्होंने फलाने वोट नहीं दिया, भाजपा ने प्रोपोगंडा किया, सपा ने किया, मुसलमान वोट हमें नहीं दिए इसलिए हम हार गए। अब इसे आप समीक्षा कहेंगे या क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी ने अभी तो ढंग से समीक्षा भी नहीं की, पता नहीं, मुझे लगता है कि सपा के लोगों को समीक्षा शब्द से भी गुरेज क्यों होने लगा है, वो किस जगह पर है। ठीक बात है, चुनाव आप समीक्षा हारे हैं, बैठक भी नहीं हुई, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं हुई, तो अब मुझे जितना मीडिया की खबरों से पता चल रहा है, तो ये एक पहलू है इसका। ऐसे आप बीजेपी से कैसे लड़ पाएंगे? तो मैंने दोनों पक्ष रख दिए, बीजेपी के पास बहुत कुछ है, उनके पास पैसा है, लोग हैं, सत्ता है, उनके पास मेन स्ट्रीम मीडिया घराने हैं जो दिन रात उनका प्रचार कर रहे हैं, उनके पास सांप्रदायिक नफरत के जहरीले मुद्दे भी हैं जो लोगों को जल्दी अपील करते हैं, बहुसंख्यकवाद की राजनीति बीजेपी करती है जिसको समझाना लोगों को आसान है, बहुसंख्यकवाद की राजनीति तो हमेशा से आसान रही है। इन सब के बावजूद वो लगातार चुनावी मोड में है, लगातार काम कर रहे हैं। आपके पास जब ये कुछ भी नहीं है, उसके बाद आपके पास अल्टरनेट क्या है? आपके पास सड़क अल्टरनेट है, समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही थी और उसने ठीक ठाक ढंग से चुनाव लड़ा भी कि भाई हम विपक्ष की आवाज है, हम नाराज जनता की आवाज है, तो समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर ये जो मुकदमे हुए, जो ईवीएम की रखवाली करने गए उनके ऊपर जो मुकदमे हुए, उसके लिए पार्टी क्या क्या योजना बना रही है? जो लोग जेल में बिल्कुल चले जा रहे हैं, जिनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, चलना शुरू हो गया है, अभी आज ही मैं खबर देख रहा था कि एक सपा के नेता है और ऊपर से मुसलमान है, तो दोनों बात हो गई, उनके पेट्रोल पंप का नक्शा मांग लिया गया और बुलडोजर चला दिया। अब सील विल नहीं होता, अब गाड़ी पलट जाती है, अब इनकाउंटर हो जाता है, अब न्याय प्रक्रिया पे भी भरोसा नहीं है, तो अब की तो वो और ज्यादा करेंगे। ऐसे वक्त में मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के नेताओं के पास कोई नैतिक साहस भी बचा है, पता नहीं, लगता है वो भीतर से कमजोर हो गए, पैसे से कमजोर होंगे, ये बात समझ में आती है। आप सत्ता में लंबे समय से नहीं, आपके खिलाफ पूरा प्रशासन खड़ा, ये भी समझ में आता है, थाने पे सुनवाई नहीं होगी, बहुत सारी चीज नहीं। मैं उसी बात को कह रहा था शिवम, कि ये सब जो है उनके पास वो तो रहेगा, वो तो आगे हाँ और मजबूत होगा, वो लगातार सत्ता में है तो और वो सारे काम मजबूती से करेंगे। आपके पास विकल्प में क्या बचा है? अगर आप एक क्षेत्रीय दल है, तो मैं यही कह रहा था कि माना कि आपके पास पैसे की कमी होगी, हालांकि बहुत कमी वमी नहीं है, इन लोगों के नेताओं के पास ठीक ठाक पैसा है, कोई कहे कि सपा और बसपा के पास पैसे की कमी है तो ऐसा नहीं है, वो तो बसपा का बहुत सारा पैसा तो ईडी और सीबीआई लेके चली जाती है, कभी 1400 करोड़, सही कभी 1200 करोड़, कभी 400 करोड़, सपा के नेताओं के पास भी पैसा है। पैसे की बात नहीं है और न पावर की बात है, बात यह है कि आप राजनीति में कर क्या रहे हैं। आपको राजनीति अगर करनी है तो आपको विकल्प ढूंढना होगा कि बीजेपी जो काम कर रही है उसका काट कैसे ढूंढे, नेता का ये काम काट होता है, नेता अपने कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास कैसे भरे, नेता ये बात समझाए कैसे कि लोग, तुम लोग जो भी कुछ होगा हम आपके साथ खड़े हैं, काम तो नेता का यही है ना, बिल्कुल बिल्कुल इसलिए मूल्यांकन बीजेपी से कम होगा। मैं कह रहा हूं तुलना करना जायज नहीं,
फिर भी जो जीत रहा है वो इतनी मेहनत कर रहा है, तो हारने वाले लोग क्या जमीन छोड़ देंगे क्या? क्या अगली बार सपा चुनाव नहीं लड़ेगी? या एमएलसी का चुनाव रहा, चलो एमएलसी के चुनाव में ये माना जाता है कि अप्रत्यक्ष वोटिंग होती है, सत्ता जिसकी होती है उसके खेमे में होता है, फिर भी ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, जो आपके लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे होंगे, जिनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, जब जो परेशान है, जो निराश है, जो हताश है, अगर आप वाकई विपक्ष के नेता है तो आप सड़क पर उतरिए ना। अब ये मत सोचिए कि कोई महीने भर, अभी बीजेपी होती तो तुरंत सड़क पर उतरना शुरू कर देती। देखिए पहला प्रश्न जो आपका है शिवम, की बीजेपी अपना अपोनेंट भी चुन रही होती है या उनको बहुत कमजोर कर देती है। अभी आम आदमी पार्टी का एक उदाहरण लीजिए, आम आदमी पार्टी एक ऐसे आंदोलन से उभरी जिस जो अब बेहद संदेह की नजर से देखा जाता है, जो देश को दूसरी राजनीति अल्टरनेट वैकल्पिक राजनीति की बात करने वाले लोग थे, आज उनकी राजनीति में कोई बहुत बदलाव आप नहीं देख पा रहे होंगे। वहां भी हनुमान चालीसा मिलेगा, वहां भी कट्टर देश प्रेम, कट्टर ईमानदारी जैसे शब्दों के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। दिल्ली में दंगा होगा तो दंगे के समय वो राजघाट पर मौन व्रत धारण कर लेंगे, वो सिलेबस बनाएंगे तो राष्ट्रवादी सिलेबस बना रही, उसमें लाग लपेट भी उनको नहीं, तीर्थ यात्रा कराना, सब कुछ कराना। बीच बीच में चुनाव लड़ते हैं कि अब शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी काम करना, जो कि किया है उन्होंने। मैं दिल्ली में हूं तो बात मानता, लेकिन कोई अल्टरनेट राजनीति है क्या? एक तरफ हनुमान चालीसा और दूसरी तरफ भगत सिंह और अंबेडकर, जो दोनों एक तरह से इस तरह की राजनीति के खिलाफ थे, लेकिन भगत सिंह और अंबेडकर को भी वो साध रहे हैं और हनुमान को भी साध रहे हैं, राम को भी साध रहे हैं। अजीब विडंबना है, वैचारिक खोखला को निशे, लेकिन वो प्रमोट किए जाएंगे, दिन रात मीडिया में उनको दिखाया जाएगा, दिन रात उनको अल्टरनेट पॉलिटिक्स का मोहरा बनाया जाएगा, क्योंकि उनसे कोई वैचारिक खतरा बीजेपी को नहीं महसूस हो रहा है। आप कितने भी बढ़िया विकास की बात करिए, बीजेपी के लिए आप खतरा नहीं है। आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर देश भर में आंदोलन कर दीजिए, आप बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़े खतरे नहीं होंगे। लेकिन आप जब वहां अटैक करेंगे जहां बीजेपी का कोर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है, 80-20 की बात है, जहां सीधे मुसलमान को टारगेट करके कहा जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं तो दिल्ली में रहता हूं, यहां पर कई ऐसे कार्यक्रम हुए, जो कोई और सरकार होती या कोई और देश होता तो उस पर क्या कदम उठाया जाता है कि आपके यहाँ एक संविधान लागू है और आप भगवा रंग का एक संविधान पेश कर रहे हैं सेमिनार करके दिल्ली में कि हम एक वैकल्पिक संविधान बना चुके हैं, ये वाला संविधान खराब है। 1925 से जो आरएसएस बना है, 2025 में हम नया संविधान लागू करेंगे। कोई लिंचिंग कर रहा हो, कोई मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार कर रहा, उमर खालिद जेल में है, खालिद सैफी जेल में है, प्रोफेसर हैनी बाबू, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े, गौतम नौलखा, बरबर राव जेल में, स्टेन स्वामी मार दिए गए जेल में, कौन कहां कुछ बोल रहा, तो आप भगवा संविधान बनाइए, आप सीधे धर्म संसद के नाम पर घोर अधार्मिक बातें कहिए, आप गांधी को गालियां दीजिए, कोई एक्शन किसी पर नहीं होगा। तो ऐसा है कि जो कोर में है ना, वो एक विचारधारा है, जो उस पर हमला करेगा वो उसे बीजेपी को चुनौती मानेगी। बीजेपी ने लंबे समय तक लेफ्ट को चुनौती माना और आज भी मानती है, कई बार कोई ढंग से तार्किक बात कहे तो उसको कह देगा वामपंथी है, टुकड़े टुकड़े गएंगे, अर्बन नक्सल है। आदिवासियों ने ढंग से चुनौती दी कि तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में आदिवासी कहाँ है, तो बस्तर बकसवा के जंगलों में उनको मारा जा रहा है विकास के नाम में। पिछड़े तबके के साथ क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश बिहार में लोग देख रहे हैं, मुसलमान के साथ क्या हो रहा है। तो ये जो चुनौती पेश करेगा, जो इनको लीड करेगा, वो साहस करता हुआ कोई राजनीतिक दल देखिए इस समय दिख नहीं रहा है। कोई हार्ड हिंदुत्व के सामने सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करता है। अरे जब ओरिजिनल माल बाजार में बिक रहा होगा तो डुप्लीकेट माल कोई क्यों खरीदेगा। आप जनेऊ दिखाओगे, राहुल गांधी ने जनेऊ दिखाया, शंकर के मंदिर में गए, वो जा रहे बद्रीनाथ, तुम जा रहे हो केदारनाथ, तो फिर तुमको क्यों कोई चुनेगा। वो करेंगे राम, तुम करोगे कृष्ण, वो करेंगे राम मंदिर, तुम करोगे विष्णु मंदिर, वो करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।